मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन मंत्र, मोक्ष रूपी एक लक्षण आधा भाग तो है, एक प्रयोजन उपनिबद्ध वो भाग तो है, परंतु अशेष अर्थ पके वालों का वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, इसलिए शास्त्र का लक्षण का एक देश घट रहा है और एक देश नहीं घट रहा। लक्षण कैसे घटा जाता है ना, यहाँ पे देखे ना, एक प्रयोजन उपनिबद्धम, दूसरा क्या है, अशेष अर्थ प्रतिपादकम ही शास्त्र। तो एक उद्देश्य तो है, इसलिए बोलते अत्र च मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन लद्यपि, मोक्ष के द्वारा लक्षित होता है जो एक प्रयोजन, वो यहाँ पे होते हुए भी न अशेष अर्थ प्रतिपादक, पूर्ण अर्थ की प्रतिपादक यहाँ पे नहीं है, कर्म नहीं है, उपादान नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए ये शास्त्र कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए पांच नंबर टिप्पणी का पढ़ लिए थे, छह नंबर टिप्पणी दिखाई देता है, न अशेष अर्थ प्रतिपादक, न अशेष अर्थ प्रतिपादक क्या है, कर्मादीनाम अपि चित्त शुद्धादि द्वारा मोक्ष उपयोगितम् तेषां च न यह प्रतिपादनम् इति अर्थ। मतलब छह नंबर टिप्पणी में कर्म आदि से क्या लेंगे, उपासना। ठीक है ना, इसे बोलते हैं कर्मादीनाम अपि कर्म उपासना का भी चित्त शुद्धि शुद्धादि द्वारा, चित्त शुद्धि को माध्यम बना करके मोक्ष उपयोगितम, वो मोक्ष के लिए उपयोगी है। तेषां च न यह प्रतिपादनम्, कर्म का तो उपासना का यहाँ पर कोई कथन नहीं है, इसलिए यहाँ पे शास्त्र का एक दिश लेकर का विषय का ऐसे शास्त्र पूर्ण लक्षण यहाँ पे नहीं घट रहा है। द्वितीय अर्थ, द्वितीय क्या प्रकरण की दृष्टि से व्याख्या करना चाहते हैं, तब वहाँ पे बोलते हैं न द्वितीय, द्वितीय भी नहीं हो सकता है, प्रकरण का आप नहीं कह सकते इसको, क्यों, प्रकरण लक्षण अभाव इति आशंक, किसी का मन में प्रकरण का लक्षण नहीं है, तब उनको बोलता है प्रकरण का लक्षण जानते हो क्या है, का लक्षण दिखा करके उस लक्षण के यहाँ पे घटा करके दिखाएं, लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि, तो आपको लक्षण बताना पड़ेगा, और लक्षण यहाँ का आप बोलते हैं हम ये प्रकरण दृष्टि से व्याख्या करें, तो लक्षण यहाँ पे कैसे घट रहा है वो तो दिखाएंगे, शास्त्र का लक्षण तो नहीं घटा पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकरण लक्षण अभाव इति आशंक, तो अब ये भी भाष्य में वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम इदं प्रकरण चतुष्टयम् ओम इति एतद् अक्षरम् इत्यादि आरभ्यते। ठीक है ना, वेद के अंत भाग में जो विषय है वेदांत अर्थ, मतलब वेद के अंत भाग में जो है विषय है वो क्या है, सार है वेद की मुख्य में जो सार, उस सार उसका सार का सम्यक रूप से ग्रहण किया गया है ना इसमें, इसमें हमारे उपनिषद में है। ठीक है, वेदांत अर्थ सार संग्रहूतम इदम, ये शास्त्र ये जो है ग्रंथ, इदम ग्रंथ प्रकरण चतुष्टय, इसमें चार प्रकरण है, क्या क्या प्रकरण है, आगम प्रकरण, अद्वैतत्व प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अपरा शांति प्रकरण। इसमें सामान्य रूप से भाष्यकार बात नहीं बोलेंगे, मन में बैठ जाएगा ये आगम प्रकरण, मतलब परंपरा से जो आगम आया है, परंपरा से जो चीज हमारे पास आया हुआ है उसको द्वारा प्रतिपादन करेंगे, क्या प्रतिपादन करेंगे, प्रतिपादन विषय क्या है, जीव ब्रह्म की एकता, तो आगम आगम प्रकरण में यही दिख रहा है, और वो भी श्रुति वाक्य के आधार जीव ब्रह्म की एकत्व को प्रतिपादन करेंगे, परंतु जब तक ये शरीर और शरीर के साथ तादात्म्यता है तब तक जो है ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं। जब तक ये शरीर और शरीर के साथ तादात्म्य है तब तक अपनी व्यापकता का अनुभव नहीं कर सकते, आप इस शरीर से तादात्म्यता छूटे कैसे, जब इसको मिथ्या आपको निश्चय कर देंगे, जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु के प्रति हमारी तादात्म्यता अथवा अध्यक्ष का भी नहीं होता, हम जब समझ जाते हैं कि सच्चा नहीं है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर भी कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है, इसको दिखाने के लिए यदि द्वैत मिथ्या है तो अद्वैत भी मिथ्या होगा, क्योंकि जिस अधिष्ठान के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, इसलिए भी मिथ्या होगा। तब क्या होता है, हमें क्या दिखाई पड़ते हैं वेदांतिक दृष्टि से, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प है वो भी मिथ्या है, प्रतिभाषिक है, और रज्जु भी व्यावहारिक है वो भी मिथ्या है, वेदांतिक दृष्टि तो अधिष्ठान भी मतलब दृष्टांत स्थल में जहाँ पे दिखाते हैं, दृष्टांत स्थल में जहाँ पे आप दिखाते हैं कहाँ दिखाते हैं, रज्जु सर्प सुक्ति रजत मरुभूमि में पानी स्थान पुरुष, ये जो भ्रांति स्थल है, भ्रांति स्थल में जिस अधिष्ठान के ऊपर हम दिखाते हैं हमारे वेदांतिक दृष्टि से वो भी तो मिलता है कि नहीं, तो
तो जिस अधिष्ठान के ऊपर द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस दृष्टांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि अद्वैत भी प्रतीत है। वो तो आप बोलेंगे, परंतु पूर्ववादी जब हमारे ऊपर शंका करेगा तब आपके सिद्धांत के अनुसार आपके सिद्धांत में ये आपको तब जब ये सिद्धांत अद्वैत भी मिथ्या है तब उसको प्रतिपादन करने के लिए अद्वैत तीन से तीन चार प्रकरण है नहीं आपके आगम प्रकरण वैप्रत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अद्वैत प्रकरण इस क्रम को सोच ही जाना इसको आपको सोचना पड़ेगा क्यों ये इस क्रम से लिखा गया है। इस क्रम से इसलिए लिखा गया है कि जब इस अपनी व्यापकता पूर्णता के अनुभव करने के लिए शरीर के साथ तादात्म्यता छोड़ना मतलब मिथ्या वस्तु से तादात्म्यता मिथ्या वस्तु में सत्यत्व बुद्धि को हटाना पड़ेगा। आपको दृष्टांत देकर के समझाते हैं भ्रांति स्तर तो तुम्हारी दृष्टि से अनुसार तुम्हारे मतलब दृष्टांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार तो अधिष्ठान भी तुम्हारा मिथ्या है। तो जिस अधिष्ठान के ऊपर जगत प्रपंच दिखाई पड़े वो अधिष्ठान भी मिथ्या होगा। ये दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता है मतलब ये अधिष्ठान मिथ्या नहीं इसको दिखाने के लिए अद्वैत अब ये अद्वैत सिद्धांत को आपने बनाया इससे आपका अनन्य वादी विषय आपका विरोध होता है। इसलिए हमको अगले दिखाना है किसी भी वादी के साथ हमारा विरोध नहीं है। अच्छा अलात्मक तो होता है क्या एक लट्ठी के माथे पे कपड़ा लपेट के मिट्टी का तेल में डाली उसमें आग लगा दी और कोई घुमाते हैं उसको हाँ तो वो तो घुमाते हैं घुमाने से क्या होता है भिन्न भिन्न प्रकार के आकार दिखता है समझ में आया इसको अलात बोलते हैं। तो अलात के घूमने का फल स्वरूप आपको आकार दिखता है परंतु यदि घूमना बंद हो जाए कोई आकार नहीं। इसी प्रकार हमारी मानसिक चंचलता विक्षेप के कारण जगत दिखता है। मन मन शांत हो जाए अनाथ शांत वासना की आग को घुमा रहे हम जैसे क्यों ये दृष्टांत तो दिया दो माथे पे और यहाँ पे तो पांच माथा है पांच माथा स्वरूप है तो विषय को ग्रहण करना चाहिए इस सर्प को घूमने के कारण क्या होता है भिन्न भिन्न आकार सामने दिखाई पड़ता है और अनुकूल प्रतिकूल को बुद्धि उत्पन्न करता है जब मन शांत हो जाए आकार बनता है। ये चार प्रकरण की क्रम है अलात शांत मतलब घूमना बंद कर दो वासना शुरू कर दो। इसमें अलात शांति प्रकरण में कोई वादी के साथ विरोध भी नहीं है और शांत कह सकते हैं वो दिख रहे ये चार प्रकरण में आपस में संबंध परंपरा से नहीं पढ़ेंगे ना आप अपने दिमाग लगा के रहेंगे तो इतना छोटा छोटा नाम आपको नहीं पड़ेगा अंदर परंपरा के पढ़ने से क्योंकि एक आचार्य ने कई आचार्य मिलकर एक के बाद एक संशोधन करते करता हमारे पास आया। हाँ तो फल तो क्या भगवान शंकराचार्य को कुछ का भी हाथ दीजिए कहीं थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक बता रहा है सिद्धांत तब विपरीत उनके सिद्धांत को पुष्ट करते रहे प्रकरण लक्षण अभाव वेदांत शास्त्र में यहाँ पे जो है ना वेदांत अर्थ जो शब्द आया हुआ है उसका वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण ठीक है ना भाष्य की पंक्ति में है भाष्य की पंक्ति में देखिए वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण ठीक है ना ये वेदांत अर्थ सार संग्रह इसका अर्थ कर रहे टीका इसका अर्थ कर रहे वेदांत शब्दार्थ शास्त्र वेदांत शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र है ना शास्त्रनाम प्रायति इति शास्त्र यहाँ पे सात नाम पर टिप्पणी होती है कौन सा शास्त्र वेदांत शारीरक मीमांसा वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र में एक प्रक्रिया है। वेद के अंतर्भाग में जिस विषय पर विचार पूर्वक निर्णय किया गया है
उसी व्यापे उसका सार संघरूप है, उसका सार संघरूप है मतलब जीव ब्रह्म की एकत्व की प्रतिपादक है। वेदांत शब्द हो गए, वेदांत शब्द का अर्थ शास्त्र, अश्व अर्थ इसमें जो विषय है वेदांत शासन, इसमें क्या होगा एक अधिकारी, हर जगह पे कर्म कांड के लिए भी अधिकारी चाहिए। अधिकारी का निरूपण हमारी परंपरा में वर्तमान में दिखाई पड़ता है। आप किसी बच्चे को कक्षा सात में भर्ती करने ले जाएंगे तो पहले स्कूल वाले बोलेंगे टीसी दिखाओ, छह पास किया दिखाओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आप एमए में भर्ती करने जाएंगे तो बोलेंगे बीएससी पास का सर्टिफिकेट दिखाओ। यानी कि हर जगह पे अधिकारी पहले निरूपण करते हैं, इसके लिए कौन अधिकारी है, इसलिए हम बोलते हैं तस्य अर्थ अधिकारी निर्णय, पहला विषय हो गया उसका अधिकारी को निर्णय करना। फिर अधिकारी होने के बाद भी काम नहीं चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं गुरु उपशोधन। यदि आप इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी गुरु के पास जाकर के प्राप्त करिए। अपने आप करने जाएंगे तो अधिक से आप 80% समझ में आने पर भी सूक्ष्म वस्तु को 80% आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बोलते हैं गुरु उपशोधन। फिर पदार्थ द्वय, दो पद है आपके पास, एक आत्मा एक अनात्मा। आप ऐसे देखेंगे महाभारत में तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से दो पद को लेकर अध्ययन करते हैं, जिसे बताते हैं पदार्थ द्वय तत् ऐक्य, उन दोनों की एकता। उस एकता दिखाने पर हमें अन्न प्रमाण से विरोध होता है, एकता दिखाने पर अन्न प्रमाण से सभी प्रमाण द्वैत को लेकर के बोलते हैं विरोध परिहार, ठीक है ना। फिर उसके बाद साधन, हम क्या साधन करेंगे और उसका फल, ये सब जो है, क्योंकि मैं कल शास्त्र का रक्षण कर गया था, शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतर भी अन्न कार्यांतर है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अधिकारी को चाहिए। अधिकारी कैसे निर्णय किया गया, विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मोक्ष, अधिकारित्व निर्भर करता है। विवेक के बिना हर किसी भी काम में, जिस प्रकार अधिकारित्व भी निरूपण होता है, इसी प्रकार हर काम में आपको विवेक चाहिए। चाहे घर में झाड़ू लगाना हो, चाहे आपको खाना बनाना हो, चाहे आपको पठन पठन है कि नहीं। घर में झाड़ू लगाने वाला भी देखिए, आपका कोई सामान अगर पड़ा है झाड़ू लगा के, उसको फिर अलग करते हैं, जो अनुपयोगी है उसको बाहर। खाना बनाते समय कितना नमक देंगे, कितना मसाला देंगे, विवेक चाहिए, उससे अधिक नहीं देंगे, अलग देंगे। विवेक होने से क्या होता है, अनुपयोगी वस्तु अलग हो जाता है, विवेक होने पर अनुपयोगी वस्तु अलग हो जाता है। तो ये हो गया विवेक चाहिए, और विवेक आने पर वैराग्य भी आएगा, और ये वैराग्य को पुष्ट करने के लिए आपको संयम श्रद्धा समाधान उपरति प्रतीक्षा चाहिए। संयम में जीवन बहिष्करण और अंतःकरण के संयम चाहिए, संयम श्रद्धा चाहिए शास्त्र को, ईश्वर के ऊपर शास्त्र के ऊपर, मतलब ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, गुरु के ऊपर श्रद्धा, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा और अपने ऊपर श्रद्धा। मैं कर पाता हूँ, कर पाऊंगा इसको, अरे निश्चय नहीं होगा, तब जाके नहीं होगा। इसलिए चार चीज चाहिए, श्रद्धा अस्तित्व को बोलते हैं श्रद्धा, फिर जो है तितिक्षा समाधान, समाधान भी अपने सकते, समाधान मतलब सम्यक रूप से आधान करना, मन को एक जगह पर स्थिर करके रखना, समाधान। अब सेकंड समाधान है सॉल्यूशन। आपको शास्त्र पढ़ने के बाद आगे पीछे का वाक्य में भी विरोध दिखाई पड़ते हैं, शास्त्र अनुकूल तर्क के द्वारा उसको समाधान करने का कोशिश करें, शास्त्र अनुकूल तर्क के द्वारा, शास्त्र अनुकूल विचार के द्वारा उसको समाधान, ये समाधान उससे मन एकाग्र होता है। फिर हो गया संयम श्रद्धा स्वयं ऊपर, ऊपर हो गया वैराग्य के फल, वैराग्य है ऊपर संपत्ति
एक वेदांत क्यों मतलब वेदांत तो पठन पठन करने का दिस इज आवर रियल कैपिटल इसको जो है उपयोग करें तब जाकर के ये मल्टीपल स्थिति बढ़ता है ऐसा किसी व्यक्ति के पास धन है धन को बाजार में लगाता है उसको ब्याज से बढ़ता है ये हमारा धन है समदम श्रद्धा समदम प्रतिपत्ति इसको हम उपयोग करेंगे इसको तो क्या होगा हमारे धन बढ़ता है तो मतलब वैराग्य के मोक्ष युक्त तीव्र होता है मोक्ष युक्त तीव्र होता है ये संपत्ति का अपना है तो ये चार हो गया अधिकार इसलिए हमें बोलते हैं तस् अर्थ उसका विषय क्या होता है अधिकारी निर्णय गुरु उपशमन आपको जितना मुमुक्षुता तीव्र होता जाएगा उतना ही आपकी गुरु प्राप्ति की इच्छा हमको कोई नष्ट अधिकार हो कोई मार्ग दिखाए ये नहीं कि जिंदगी भर गुरु के पास संग रहे परंतु थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए अथवा आप जिस मार्ग में चल रहे हैं ये सही है ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसलिए कोई ना किसी का मदद चाहिए तो गुरु बोल रहे उसके बाद पदार्थ तभी आपको दिखेगा क्या दिखेगा एक मैं और एक हूँ मैं और अपने से भिन्न बता रहा हूँ धीरे 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 शास्त्र सुनते सुनते ये जो वह बुद्धि वो चला जाएगा बस मैं ही बोल रहा हूँ ये थर्ड से फिर इसको बोलते हैं ऐक ये एक बुद्धि आ जाएगा हाँ तो ऐक होने पर तो व्यवहार नहीं होगा विरोध दिखाई पड़ता अंदर प्रमाण से विरोध पड़ेगा दिखाई नहीं आते और इस ब्रह्मकार वृत्ति व्यापक करना भी मन को बार बार लगा के रखना यही हमारी साधन यही हमारी साधन है उसका फल क्या है कोई बाहरी फल नहीं है जैसे जिस व्यक्ति ने मन को बना के रखा उस व्यक्ति में अस्थिर हो जाएगा और कोई फल नहीं है इसका इस व्यापकता में पूर्णता में आनंद है उस आनंद में अस्थिर हो गया ये हम वर्णन करेंगे तत्र सार ये वेदांत अर्थ हो गया ना वेदांत शब्द अर्थ बोल दिया उसका विषय बोल दिया ठीक है ना यहाँ बोला वेदांत अर्थ का विषय यहाँ पे कथन कर दिया एक एक करके अब उसके बाद क्या है सार कहाँ से बोल रहा है बोले कि भाष्यकार की पंक्ति वेदांत अर्थ सार संग्रह तो वेदांत अर्थों का बोल दिया वेद की अंत भाग में इतना ही विचार किया कर्म उपासना को लेकर के विचार नहीं किया इसलिए बोलते हैं वेद की आप ध्यान देना कैसे कैसे ऊपर की वेदांत अर्थ सार संग्रह होता तो वेदांत अर्थ क्या हो गया तस्य अर्थ मतलब वेदांत अर्थ हो गया वेदांत का विषय हो गया ये अधिकारी विषय गुरु के पास जाना और ऐक को चिंतन करना ये कथा की भाग में स्थित हो जाना ये अब उसके सार तत्र सार जीव और ऐकम इसमें सार क्या है एकत्व ही सार है ना अनेक वस्तु दिखाई पड़ता उसमें सार वस्तु मतलब सब में एकत्व दृष्टि हो जाए तस्य संग्रह है ना सार संग्रह तस्य षष्ठ तत्व समय तस्य मतलब समग्र संग्रह उसको सम्यक रूप से ग्रहण करा जाए सम्यक ग्रहण मतलब क्या हो गया संशय विपर्यास आदि प्रतिबंध व्युदासीन संशय भी नहीं है विपरीत बुद्धि भी नहीं है उसके ये प्रतिबंध था क्या मालूम मैं कैसे होगा अथवा मैं तो हो ही नहीं सकता मैं कैसे ईश्वर तो मैं कैसे ब्रह्म हो सकता इस प्रकार की विपरीत बुद्धि हटा करके खंडन है ना संशय विपर्यास आदि प्रतिबंध संशय विपर्य रूपी ये प्रतिबंध बैठा उसको युदाशेन मतलब खंडन है उसका निराकरण करते हुए अब इस स्थिति में पहुंचने के लिए तब उपाय उपाय उपदेश उसकी उपाय जो उपदेश है गुरु उपदेश गुरु का उपदेश जिसमें प्रकरण है जिस प्रकरण में कहा गया है ठीक है तद उपाय उपदेश उसको उपाय क्या है कि गुरु उपदेश शास्त्र शास्त्र आधार पर गुरु उपदेश ध्यान रखने आगे पहले वेदांत अर्थ शास्त्र संग्रह पर मनमर जो उपदेश नहीं है शास्त्र आधार पर गुरु उपदेश आप बोलेंगे शास्त्र आधार पर गुरु उपदेश क्या होता है अरे आप तो मतलब खाए हुए वस्तु को उल्टी कर रहे हैं ये आपको लगेगा कि ये उपदेश सुनने के लिए कोई आए हुए नहीं परंतु उस उपदेश को शास्त्रों को आपने पढ़ा और डाइजेस्ट करके उसमें से जो सार निकला यदि वो आप कह पाएंगे वो निश्चित ही उपाधि निश्चित उपाधि होता है परंतु जैसा सुना कुछ समझाने की वैसे अपने आप ही नहीं समझे उसमें क्या समझ ये चीज होना चाहिए किसी को बोलने समझाने से पहले अपने आप उसको विचार करके शुद्ध करके ठीक ठीक समझ में आ जाए आपको तब कोई पूछे कुछ का इसीलिए बोलते हैं उपाय उपदेश जिस प्रकरण में ऐसा किया जाता है जस्मिन प्रकरण तब तथा तब प्रकरण तथा मतलब वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम ठीक है वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम का अर्थ कर दिया भाष्यकार के पद
वेदांत अर्थसार संग्रहूतम इदम प्रकरण तथा अंतर तो जगत तत् प्रकरण उपप्रकरण क्या है जिसमें इस प्रकार दिखाएगा संशय विपर्य से नहीं उसको खंडन करके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया जिस प्रकरण में केवल मात्र उसको उपाय उपदेश किया जाता है जिसमें उस प्रकरण को ऐसा कहा जाता है क्या कहा जाता है वेदांत अर्थसार संग्रहूतम है ना तत् तथा अंतर तत् प्रकरण तथा अंतर वेदांत अर्थसार संग्रहूतम है ना इसी को प्रकरण नाम से कहता है आहुर प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विवर्चित कल में बताया था प्रकरण का लक्षण अब यहाँ पे देखिए तथाच अब देखिए प्रकरण का लक्षण तथाच शास्त्र एकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यम करे स्थितम ये लाइन में लिखा था प्रकरण के लक्षण में पहला लाइन ही है द्वितीय लाइन आगे बोलेगा है ना शास्त्र तथाच शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र का एक देश यहाँ पे हो गया आत्मज्ञान केवल उतना मात्र पर विषय करके शास्त्र कार्यांतर स्थित हो शास्त्र क्या करेगा उस आत्मज्ञान संबंधित जितना हिस्सा है उसको भी दिखाएगा कार्यांतर स्थित होता है तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थितम चार नंबर टिप्पणी में देखिए शास्त्र एक देश संबद्धत्वम आह ये जो आगे आ रहा है शास्त्र का एक देश संबद्ध कौन सा एक देश में ठीक उसी के आगे देखिए इदम प्रकरणत्वेन व्याख्यातुम इष्टम ये ग्रंथ को प्रकरण के रूप में व्याख्या करना हमारा अभिष्ट है ठीक है ना एक देश क्या होगा शास्त्र का निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादकत्व है ना शास्त्र का एक देश क्या हो गया निर्गुण वस्तु मात्र का प्रतिपादक है ना निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादक ये हो गया एक देश ठीक है ना शास्त्र एक देश संबद्धत्व आह ठीक है बाद में तीन पंक्ति मिला ना आपको उसको ठीक है उसके बाद पांच नंबर टिप्पणी लिखा जाए शास्त्र कार्यांतर स्थितम शास्त्र इत्यादि पदेन प्रकरण नाम ग्रंथ भेद आहुर विवस्थितः ठीक है देखिए जो मैं कल बताया था ना आहुर प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विचक्षणः सेकंड लाइन है इसका दूसरा है शास्त्र के लक्षण एक श्लोक के द्वारा पद्म पुराण में किया गया है उसका पहला लाइन है शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्य अंतरे स्थितम ये आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विचक्षणः दे रहा है प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम आहुर विवस्थित इस जगह आपको विचक्षण मिला आया में यहाँ पे विवस्थित किया विपरीत अर्थ देखिए यदि उत्तरार्थम इसका उत्तरार्थ दे रहे ठीक है ना पूर्वार्थम क्या है शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थित में हो गया आपका पूर्वार्थ शास्त्र लक्षण का ठीक है ना और शास्त्र का जो आपका उत्तरार्थ है प्रकरण नाम ग्रंथ भेद आहुर विवस्थित योगे उत्तरार्थ यही पे थोड़ा सा भिन्नता पाठ पे आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विचक्षणा इस पर अभी अर्थ तो एक ही है इसका इस प्रकार आपने कि प्रकरण का क्या लक्षण होता है वो दिखा दिया शास्त्र का लक्षण भी दिखा प्रकरण का लक्षण भी दिखा ठीक है ना तो आप जो है इस प्रकरण में इसमें इस ग्रंथ में प्रकरण के लक्षण कैसे घट रहा है वो बताएंगे आपको इदं प्रकरण तेन व्याख्यातुम इष्टम इस ग्रंथ को हम प्रकरण के रूप में व्याख्या करना हमारा अभिष्ट है इदं ग्रंथम है ना प्रकरण तेन प्रकरण के दृष्टि से व्याख्यातुम इष्टम व्याख्या करना हमारी अभिष्ट है कैसे प्रकरण के रूप में बोलते हैं क्योंकि एक देश का संबंध है निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादन निर्गुण निराकार निर्विशेष के प्रतिपादन करने से करते हैं इसलिए प्रतिपादनस्य संक्षेपस्य च कार्यांतरत्व अब क्या उसकी प्रतिपादन में आप कर्म उपासना को नहीं दिखाया उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सुख से चलना होगा तो कर्म से शुरू करना पड़ेगा पर वहां पे नहीं लेगा मतलब उत्तम अधिकारी को ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या साधन थे वो कार्यांतर है इसको समझने के लिए जो कार्य से आप बोलते हैं तब प्रतिपादन संक्षेप इसका प्रतिपादन कैसे किया संक्षेप में किया विस्तार से नहीं किया विस्तार होगा तो वहां से शुरू करना पड़ता है कर्म से शुरू करना इसीलिए बोलते हैं प्रतिपादन संक्षेप कार्यांतरत्व तो होगा लक्षण क्या है शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतर स्थित
संक्षेप में उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है उतना जहाँ वर्णन करते हो गए कार्यंतर। कार्यंतरत्व प्रकरणत्वस्य प्रकरणत्व लक्षणस्य च अत्र संपूर्णत्व आदि प्रकरण का जो लक्षण है ये पूर्ण इस ग्रंथ में मिलता है। लक्षण यहाँ पे घट जाते हैं ठीक है ना। इसे बोलते हैं प्रकरणत्व लक्षणस्य है ना, प्रकरणत्व का जो लक्षण है च अत्र अंत इस ग्रंथ में संपूर्णत्व पूर्ण रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रकरण के रूप में व्याख्या करना हमारा अभिष्ट है ठीक है। प्रकरण के रूप में व्याख्या किसी यहाँ पे कर्म उपासना किसी का वर्णन नहीं है। किसी मंत्र को देख करके मैं इसको उपासना करूँ ऐसा चिंतन मन में नहीं आना चाहिए। बस ज्ञान के विचार से निर्णय करना है इसको। इसलिए हमें बोलते हैं कि कार्यत प्रकरणत्व लक्षण छ नंबर टिप्पणी में देखो प्रकरण लक्षणस्य च इति अयम तु अर्थचकार शास्त्र लक्षणस्य अत्र सामग्रते अपि इति द्योतयति ठीक है ना। समग्रते अपि प्रकरण लक्षणस्य च आपका प्रकरण मत प्रकरणत्व लक्षणस्य बोलने आगे चकार है जिसको लेकर बोलते हैं प्रकरण लक्षणस्य च इति अयम तु अर्थचकार है। चकार का यह अर्थ है शास्त्र लक्षणस्य च अत्र असमग्रते अपि इति द्योतयति। चकार का मतलब शास्त्र का जो लक्षण बताया क्या बताया पूर्ण रूप से दिखाना कर्म वो यहाँ पे नहीं है। ये चकार ये कहते हैं प्रकरण का लक्षण घट रहा है और शास्त्र का लक्षण नहीं घट रहा है इसलिए हम प्रकरण के रूप में व्याख्या करेंगे ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि शास्त्र प्रकरण लक्षणस्य च इति अयम तु अर्थचकार ये चकार का ही अर्थ है शास्त्र लक्षणस्य अत्र असमग्रते अपि इति द्योतयति। शास्त्र का लक्षण पूर्ण रूप से नहीं घट रहा है परंतु प्रकरण का लक्षण पूर्ण रूप से घट रहा है इसलिए हम इसको व्याख्या की दृष्टि से करेंगे प्रकरण की दृष्टि से करेंगे। जिस वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हैं वो तो विषय बनता ही है। आप जो निर्गुण निरा का निर्विशेष का प्रतिपादन करना चाहते हो वो तो विषय बनता ही नहीं है बेकार तुम्हारे ग्रंथ लिख आपका थोड़ा सा भी इधर उधर बोलने के तुरंत पकड़ लेंगे शास्त्र को कितना सिर बोलते हैं प्रकरण ठीक है आपने प्रकरण तो बोला परंतु जिस विषय का कहना चाहते हो तो विषय बनता ही नहीं है विषय का होगा यहाँ पे इसलिए बोलते हैं निर्विषयत्वादि प्रयुक्तम अव्याख्येयत्वम आशय क्योंकि ये तो विषय बनता ही नहीं है तो निर्विषय है और इसको विषय बना जो निर्विषय है उसको तुम विषय वेदांत में सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अन्य सभी दर्शन जिसके वर्णन करते हैं वो विषय रूप में वर्णनीय है और वेदांत जिसको वर्णन करते हो विषय रूप में वर्णनीय नहीं है फिर भी वेदांत में सबसे अधिक ग्रंथ है सबसे अधिक ग्रंथ वेदांत में हमने पूर्व मीमांसा दर्शन कर देते हैं मतलब सबसे अधिक व्याकरण का हमारे वेदांत में इसलिए हम बोलते हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे अंदर लिया जाता है प्रकरणत्व तो आप ठीक है आपने बोला प्रकरण की दृष्टि से देखा था परंतु आपका जो विषय है वो तो विषय बनता ही नहीं है जिसको आप विषय करना चाहता है तो विषय के बहिर्भूत है इसलिए बोलते हैं निर्विषयत्वादि प्रयुक्तम अव्याख्येयत्व इसलिए इसको आप व्याख्या कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ कारण से मतलब शास्त्र का यदि विषय तुम मानते हो क्या है पूर्व मीमांसा दर्शन में शास्त्र का विषय क्या माना है कर्म और उपासना उसका फल ब्रह्म है हां सर परंतु वहां को लोग नहीं इसके लिए करके समस्या नहीं है कि वो तो विषय बन सकता है परंतु उसी में जो है शास्त्र में भी वहां भी अधिकारी निरूपण किया प्रत्येक कर्म के लिए अधिकारी है प्रत्येक कर्म का प्रयोजन दिखाएगा ठीक है ना। उसका अधिकारी विषय क्या विषय सर्वरूपी विषय है ब्रह्म लोक विषय फल और उसके लिए जो आपका संबंध इसी ग्रंथ से होता है इसी प्रकार अन्य शास्त्र में ये चार चीज के द्वारा संपूर्ण ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय देखिए इसका अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं विषय अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध तो कर्म कांड में भी है यहाँ भी वही है यहाँ भी हम उससे भिन्न नहीं कहते कर्म कांड में भी हर काम के लिए हर एक का अधिकार नहीं है प्रत्येक कर्म का अलग अलग अधिकारी है
अलग अलग प्रकरण विषय अलग अलग प्रकरण है उसका, दशकोण में उसका प्रकरण अलग, अभिग्रंथ प्रकरण विषय अलग अलग है और संबंध उतना ग्रंथ में उसको प्रतिपादन करते हैं। तो जैसा शास्त्र में अनुबंध चरिष्ट तुमने दिखाया वो यही भी घट जाएगा, वो तो यहाँ भी घट जाएगा। इसलिए हमें बोलते हैं अतएव अतएव जैसा शास्त्र में कहा गया न पृथक संबंध अभिनय प्रयोग, इसलिए हमको यहाँ पे अलग करके मतलब अनुबंध चतुष्टय दिखाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में जैसे कहा गया है ऐसे भगवान भाष्कर बोलते हैं कि क्योंकि इसके पहले अथर्व वेद में दो उपनिषद और हमने पढ़े और पूरा वेद में जो कर्मकांड के लिए जैसे आप अनुबंध चतुष्टय निर्णय करके दिखा था वो यहाँ भी लागू है, हमें अलग करके दिखाने की आवश्यकता है। वहाँ का विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग, इस विषय को प्राप्त करना जो चाहेगा उसके अधिकारी बन जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं अतएव न पृथक संबंध अभिदेव प्रयोजनानि वक्तव्यानि यानि एव तु वेदान्ते संबंध अभिधेय, उसको इसके पहले थोड़ा टीका पढ़ लेते हैं, टीका में फिर आ जाएंगे। अतएव तक हो गया, ठीक है ना, अतएव इति प्रकर अतएव का अर्थ करेगा प्रकरणत्वात् एव, इस प्रकार दर्श पूर्णिमा जाग का एक अलग प्रकरण है, ज्योतिषम जाग का एक अलग प्रकरण, क्योंकि प्रकरण होने के कारण प्रकृत शास्त्र जिस शास्त्र प्रकृत शास्त्र साधना पर टिप्पणी मतलब शास्त्रीय संबंध आदि भिन्न प्रकार इस प्रकार किसी भी कर्म के शास्त्र में जो आपने अधिकारी आदि निरूपण करता है वो यहाँ भी लागू हो जाएगा। इसलिए अभी बोलते हैं कि प्रकरणत्वाद एव प्रकृत शास्त्रात् भेदेन संबंधादेन अलग करते संबंध विजय प्रयोजन अधिकारी इसको बोलने का अवाच्यत्य अभी यानी कि आवश्यकता नहीं होने पर भी प्रकरण प्रवृत्ति अंगतया ये जो प्रकरण रूप में आप इसको प्रवृत्त हो रहा है उसकी अंग के रूप में इस प्रकार दस पूर्णिमा जाग की अलग प्रकरण है तो उसके अंग के रूप में आप अधिकारी यदि को दिखाते हैं इसी प्रकार से यहाँ भी कि प्रकरण प्रवृत्ति अंग दया तानी तो अवश्य वक्तव्य है उसको आपको अवश्य कहना चाहिए। यदि आशंक ऐसा शंका उठाता तो बोलते हैं शास्त्रीय संबंध आदि नाम तदीय प्रकरण अर्थात प्राप्त जो शास्त्रीय संबंध आदि है ना अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वो उस प्रकरण में मतलब कर्मकांड के प्रकरण जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार से यहाँ भी समझ लेना है। वहाँ पे केवल मतलब प्रयोजन भिन्नता है, प्रयोजन की भिन्नता है, बाकी तो सभी एक प्रकार है। उसको सर्ग प्रयोजन है, किसी का ब्रह्मलोक प्रयोजन है, किसी का आत्मलोक प्रयोजन है। इसलिए केवल मतलब इतने ही शास्त्रीय संबंध आदि नाम तदीय मतलब उस प्रकार के ग्रंथ में तदीय प्रकरण कर्मकांड प्रकरण अर्थात प्राप्त आर्थिक अर्थ से प्राप्त हो जाने के कारण उन्हीं से प्राप्त होने के कारण नास्ति वक्तव्यत्वम वहाँ पे जो है अलग करके बोलने का आवश्यकता नहीं है। क्यों अर्थ पुनरुक्ति आर्थिक दृष्टि से अर्थ पुनरुक्ति हो जाएगा, शब्द पुनरुक्ति न होने पर भी अर्थ दृष्टि से पुनरुक्ति हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इति आह इसी को मन में रखते वहाँ पे बोलते हैं यानी एव तु वेदान्ते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव भवितुम् अर्हन्ति। वेदांत में जैसा आपको अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वेदांत में आपका उपासना सब आता है प्रकरण ग्रंथ में भी ऐसे उसकी उपयोगिता है। इसलिए बोलते हैं यानी एव तु वेदांत संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम् अर्हन्ति वो यहाँ भी होना चाहिए। फिर भी देखिए आगे बोलते हैं श्रोतार ही शास्त्रीय प्रकरण प्रतिपद्य माना शास्त्रियानि एव संबंधादीनि अत्र वचन अभावे अपि बुद्धमाना प्रवृत्ति प्रश्न तस्मिन् प्रकुर्वन्ति इति अर्थ। श्रोतारः मतलब कौन है सुनने वाले लोग, श्रोतृवत्ति शास्त्रीय प्रकरण प्रतिपद्य माना जब ये शास्त्रीय प्रकरण इसको जब प्रतिपादन करेंगे शास्त्रियानि एव संबंधादीनि अन्य शास्त्र में जैसा दिखाया गया है कि अधिकारी विषय प्रयोजन जो वो यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं शास्त्रियानि एव संबंधादीनि अत्र वचन अभावे अपि बुद्धमान यहाँ पे नहीं कथन करने पर भी वो समझ जाएंगे। वचन अभावे अपि बुद्धमान श्रोतार प्रथम बहुवचन है ये बुद्धमान प्रथम बहुवचन है श्रोतार बुद्धमान वचन अभावे प्रवृत्ति तस्मिन् प्रकुर्वन्ति इसलिए इस प्रकार के शास्त्र में वो प्रवृत्ति करेगा प्रवृत्ति करके इति अर्थ। तहि प्रकरण
कदापि विषयादीनां अत्र अवक्तव्यत्वात् भाष्यकृत विषयादि उपन्यास आयास विधास्य। फिर भी भगवान भाष्यकार क्या करते हैं, जानते हैं कि ये अधिकार जैसे पहले बोल करके यहाँ भी वही लागू होगा, फिर भी ये प्रकरण कहीं आपका भिन्न अधिकारी को बोल रहे हैं अथवा हम इसके लिए अधिकारी नहीं है ऐसा भावना किसी के मन में ना आए तो भगवान अलग तरह इसको इसी प्रकार अलग करके दिखाते हैं। तभी तब तो प्रकरण कर्तृवत एव, जब प्रकरण को प्रकरण कर्ती कौन है, हमारा गौर पदाचार्य। इस प्रकरण चार भाग में विभाजन के प्रकरण चार प्रकरण गौर पदाचार्य है, यानी जो प्रकरण कर्तृवत एव तद भाष्यकृत अपि, उस प्रकरण के ऊपर भाष्य निकले होना शंकराचार्य के द्वारा भी विषयादीनां अत्र अवक्तव्यत्वात्, यहाँ पे विषय अधिकारी संबंध में कथन नहीं करना चाहिए अवक्तव्यत्वात्, परंतु भाष्यकृत विषयादि उपन्यास आयास भाष्यकार के द्वारा यहाँ पे जो विषय दिखाया कौन से कहाँ से दिखाया, प्रज्ञानं शुक्रतां इति, तो अपने से उन्होंने विषय को पहले ही दिखाया, विषय भी दिखाया अधिकारी भी दिखाया, आपको दिखाया मतलब आनंद गिरी का भी दिखा दिया था विषय और अधिकारी अधिकारी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की विचार अवगंध राय और मतलब संशय उत्पन्न ना हो इसीलिए बोलते हैं तथापि प्रकरण व्याख्या सुना संक्षेपत वक्तव्य, प्रकरण के विषय से व्याख्या करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार के द्वारा वो संक्षेप में कहा जाता है वक्तव्य माने कहा जाना चाहिए, ये भगवान भाष्य का दिखाया जाता है उसको। तथापि क्या क्या बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे फिर लिखते क्या लिखते हैं, तत्र मतलब इस विषय में प्रयोजन वाला इस ग्रंथ की प्रयोजन क्या है, अभिन्नता की बोध और समुक्ति किसे बोला है, प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजकत्वेन, प्रयोजन इस प्रकार के प्रयोजन वाला होते हुए उस प्रयोजन को मिटाने के लिए जो साधन है, उस प्रयोजन मतलब उस फल को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो साधन अभिव्यंजकत्वेन उस साधन का अभिव्यंजक है ये ग्रंथ, अभिव्यंजक मतलब प्रकाशक, इस प्रकार की प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसके साधन का प्रकाशक ये ग्रंथ है, मतलब क्या है अभिधेय संबंध, इस पद अभिधेय मतलब विषय, इस विषय के साथ संबंध रखते हैं शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध अभिधेय, विशिष्ट रूप से इसका संबंध अभिधेय प्रयोजनवत भवति, ये विशिष्ट संबंध रखने वाला और अभिधेय उसका विषय अलग है और उसका फल वाला फलशाली भी बन जाते हैं। देखिए अधिकारी हो गया इस प्रकार के फल को चाहने वाला, मुक्ति चाहने वाला हो गया इसका अधिकारी, और प्रयोजन हो गया मुक्ति, ठीक है ना, और ग्रंथ हो गया इसको प्रतिपादक साधन, साधन मतलब इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपके विचार शैली कैसे होना चाहिए, इस प्रकार की एकत्व पूर्णत्व के बोध करने के लिए आपके विचार शैली कैसे होना चाहिए वो इस ग्रंथ में दिखाएंगे, इस प्रकार में दिखाएंगे कि एक ही वस्तु कई व्यक्ति देख रहे हैं परंतु प्रत्येक के देखने की दृष्टि अलग अलग है, प्रत्येक के देखने की दृष्टि अलग अलग होती है, अतः अनुकूल क्यों उसका भावना का अनुसार, और देखने की दृष्टि के अलग होने से उसका फल भी अलग अलग होता है, उसका फल भी अलग अलग होता है। आप संसार को उदासीन उपेक्षा दृष्टि से देखिए, आप निराशक्त रहिए सुखी रहिए, जैसे कहीं पर आपको ये अच्छा है बुरा दृष्टि आया तभी आपका बंधन छूटे, ये देखने की दृष्टि से हमारा फल भिन्न होता है, इसलिए आप बोलते हैं कि शास्त्र पारंपरण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन भवति, एक नंबर टिप्पणी विशिष्ट शास्त्रांतरीय संबंधादित विलक्षण, अन्य शास्त्र में जो संबंध आदि दिखाए ना उससे कोई विलक्षण, शास्त्रांतरीय संबंधादित विलक्षण इति अर्थ, इससे थोड़ा भिन्न संबंध अभिधेय प्रयोजन विशिष्ट संबंध है, यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व रूप संबंधस्य सर्वत्र एकत्वेन, देखिए दर्शपूर्णमान जाग में जो प्रकरण ग्रंथ है वो भी दर्शपूर्णमान जाग को ही हमें प्रतिपादन करते हैं, तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक प्रतिपादन करने जो को वस्तु हो गया दर्शपूर्णमान जाग और ग्रंथ हो गया प्रतिपादक, प्रतिपादक प्रतिपादक हर जगह समान होते हुए
ग्रंथ भाग में भिन्नता होने का अनुयोगी मतलब जहाँ जो जो वस्तु दिखाई दे रहा हो गया अनुयोगी, और प्रतियोगी मतलब जो दिखाई दे रहा है उसको जो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व रूप संबंधस्य सर्वत्र एकत्व है, किसी भी ग्रंथ भाग में दिया शब्द किया तत्र विशिष्टत्व उक्ति असंगत, यहाँ पे आप देखो ना विशिष्ट संबंध नहीं विशिष्टत्व उक्ति संगत है, तथापि अनुयोगी प्रतियोगी भेदेन, अनुयोगी मतलब जहाँ पे दिखाई दे है और प्रतियोगी मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा अथवा जो दिखाई दे रहा, अनुयोगी प्रतियोगी शास्त्र हो गया अनुयोगी और उसका विषय हो गया प्रतियोगी, शास्त्र हो गया अनुयोगी और उसका विषय हो गया प्रतियोगी, उसको दिखाई दे रहा है। यद्यपि प्रतियोगी शब्द को अभाव के लिए प्रयोग करते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रतियोगी क्या हो गया इसका मतलब कर्म और उपासना के अभाव, इस ग्रंथ मतलब दस अभाव सदस्य प्रतियोगी ठीक है ना। तो आप यहाँ के अनुयोगी प्रतियोगी रूप में टिप्पणी का बोल रहे हैं, अभिप्राय क्या है कि इस ग्रंथ भाग में जो अनुयोगी है इस भूतल के ऊपर घरा नहीं दिखाई दे रहा, इस भूतल के ऊपर घरा नहीं दे, भूतल हो गया अनुयोगी घरा हो गया प्रतियोगी, इस ग्रंथ भाग इस शास्त्र भाग में अनुयोगी में कर्म उपासना नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात क्या है कि अनुयोगी इसके लिए विशिष्ट संबंध वाला है, तथापि अनुयोगी प्रतियोगी प्रतियोगी भेदेन संबंध भेदम आदाय संबंध भिन्नता को ग्रहण करते हुए स्वयं अवधम, यहाँ पे जो विशिष्ट शब्द प्रयोग किया गया ऐसा समझना चाहिए, विशिष्ट संबंध अभेदेव प्रयोजनवत् भवति। देखिए शब्दों की थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की परिभाषा जानने से आपको हर शब्द का स्पष्टीकरण आ जाएगा, अनुयोगी प्रतियोगी शब्द एक हमारे लिए एक नया लग रहा है, मतलब आपने पढ़ा तर्क संघ थोड़ा सा परिभाषा जानने से काम हो जाएगा। अनुयोगी मतलब जहाँ पे दिखाया जाता है, घरा नहीं है, तो मृतिका में कुछ व्यापार करने से घरा दिखाई पड़ते हैं, तो हम
पट नहीं है, तो तंत्र में कुछ व्यापार करने से पट उत्पन्न होता है। यदि वहां पे कारण कार्य कारण में कार्य रूप में रहेगा तो व्यापार की आवश्यकता नहीं है। और वेदांत क्या बोला, कार्य कारण में कारण रूप में रहता है, परंतु उसमें व्यापार की आवश्यकता है कार्य रूप में बदलने के लिए। और हमारे विवर्तवाद में क्या है कि कारण कभी कार्य रूप में परिणत होता ही नहीं है, कार्य केवल कारण केवल मात्र कार्य रूप प्रतीति होती है, इसलिए कारण ही सत्य है ना। ये इस प्रकार से अन्नवादियों के सिद्धांत में हमें गौर पदाचार्य प्रकरण कर्तुर वक्तव्य प्रकरण बनाने वाले हो गए गौर पदाचार्य, उसको कह रहा यहाँ पे दोनों के द्वारा यदि इसको नहीं कहा होता ना, इसको अनुबंध चतुष्टय को नहीं दिखाते, और पदाचार्य नहीं दिखाए, भाष्यकार भी यदि नहीं दिखाते तो दाभ्याम अनुदत्ते तेषु अनश्वासवासं का अवकाश इत्यादि, इसके ऊपर विश्वास कम हो जाता है, इसके ऊपर अनाश्वास प्रसन्न करता है, इसके कोई पढ़ने वाला नहीं है, अधिकारी नहीं है, ये तो बहुत ऊंचा ऊंची ऊंचे है, इसका कौन पढ़ेगा, ऐसा अविश्वास आने लगता है। इसलिए भगवान भाष्यकर यहाँ पे दिखाते हैं कि दाभ्याम अनुक्तते दोनों के द्वारा, कौन दो है, गौर पदाचार्य भाष्यकर शंकराचार्य दोनों के द्वारा, कि भगवान भाष्यकर के द्वारा भी नहीं दिखाते, अनुक्तते तेषु प्रकरणेषु, इसी का क्या अर्थ हो जाएगा, तेषु प्रकरणेषु अनाश्वास एक छोटा सा प्रकरण है, इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, उसके बाद जब तक शरीर में तादात्म्य है तब तक एक अंत समझ में नहीं आता, उस तादात्म्य को छुड़ाने के लिए जगत संबंधित मिथ्या तत्व का प्रतिपादन करते थे, क्या वो भी श्रुति वाक्य का आधार लेकर, देखना अद्वैत मतलब का वैदिक तत्व प्रकरण में कितना श्रुति को उद्धृत करके अपने सिद्धांत को बताते हैं। फिर जो है आप हमारे अद्वैत तत्व का अधिष्ठान भी मिथ्या हुआ, नहीं नहीं अधिष्ठान परमात्मा है ना, और इसमें किसी के साथ हमारा विरोध भी नहीं है, आप मन को शांत अनुबंध चतुष्टय कहना ही सिद्ध हो जाने पर प्रयोजनादि नामक अनुबंध चतुष्टय सिद्धे शास्त्र प्रकरणयोः, चाहे शास्त्र हो चाहे प्रकरण हो, मोक्ष लक्षण प्रयोजनवत्त मतलब हमारे वेदांत शास्त्र हो अथवा ये प्रकरण हो, हमारा उद्देश्य एक ही है मुक्ति, मुक्ति की बात देखा तो मोक्ष लक्षण प्रयोजनवत्त प्रयोजन वाला है ये शास्त्र, प्रतिजानी के उसकी प्रतिज्ञा करते हैं भगवान वासुदेव, यहाँ तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यक्तेन अभिधेय संबंध शास्त्र पारंपरेण विशिष्टि संबंध अभिधेय प्रयोजनवत्, ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस विषय में क्या है प्रयोजन, क्या है मुक्ति, उसका साधन क्या है विचार, क्या विचार हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म का व्यक्ति निर्णय करके ये विचार उसका साधन है, उसी को आप दिखा रहे हैं, वो साधन ये ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति अथवा विचार ही हमारी अंदर अनंत वासनाओं का नाश होते ही वो अपने आप आ जाता है, इसलिए अभिव्यंज करते है ना, अभिधेय संबंध शास्त्र विषय के साथ शास्त्र का संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव संबंध है, ये भी होते दिखाए गए शास्त्र ग्रहण प्रकरण उपलक्षणार्थम, देखिए यहाँ पे बोले ना भगवान भाष्यकार अभिधेय संबंध शास्त्र दिखा, यहाँ पे शास्त्र से अभिप्राय उपलक्षण अर्थात प्रकरण उपलक्षण, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि शास्त्र ग्रहण प्रकरण उपलक्षण, कौन सा
शास्त्र पद लिया, कहां से लिया? ये भाष्यकार की पंक्ति में है ना, संबद्धम शास्त्र में, पेज 5 में, पेज 5 में लास्ट लाइन पे देखिए, अभिधेय संबद्धम शास्त्र, लास्ट लाइन में देखिए, तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यञ्जकत्वेन अभिधेय संबद्धम शास्त्र। अरे भाष्य में है भाई,
इसी को मोक्ष फल वो ज्ञान मुक्ति फल बना होता है, ये परोक्ष ज्ञान बना होता है, मुक्ति के बिल्कुल दरवाजे तक ले जाता है, परंतु वो ज्ञान मुक्ति फल मुक्ति फल शास्त्र।